आज इस वीडियो के अंदर गाइस आपको दिखाएंगे कि 1,60,000 रुपए का पीसी बेल्ट यानी कि 1,60,000 रुपीज का पीसी बेल्ट आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। सो गाइस वीडियो में सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो यार वीडियो एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू माय डेस्क कंप्यूटर्स, मेरा नाम है सार्थक। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा है हमारे पुनीत भाई ने, पुनीत कपूर भाई ने, जो कि रहने वाले हैं दिल्ली के ही। तो दिल्ली से जो है उन्होंने पीसी यहां पर बुक किया था और उन्होंने ऑफलाइन स्टोर पिकअप वाला जो ऑप्शन आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर वो सिलेक्ट करा था, और वो मतलब ऑफलाइन आकर के अब अपने पीसी को पिकअप जो है यहाँ पर करके लेके जाएंगे। बाकी आपको पता ही है कि ऑल ओवर इंडिया गाइस हम लोग डिलीवर करते हैं। हम आप कहीं पर भी रहते हो, आपके घर पर जो है आपका पीसी पहुंच जाएगा। आप हमको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको हमारे दोनों नंबर देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप डायरेक्टली जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहां पर ना आपको एक कस्टम पीसी करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहां पर आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड कमाल बात यह है कि आपको चेकआउट वाले पेज पे ओनली 10% का ऑप्शन मिल जाता है, तो 10% पे करके पीसी की बुकिंग आप लोग कर सकते हो। और फर्दर अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करने हैं तो मैंने आपको नंबर्स दे दिए थे, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन आकर के अगर आपको अपना पीसी बिल्ड कराना है एंड आकर के अपने पीसी को बाय करना चाहते हो, तो भाई मोस्ट वेलकम। हमारा आपको जो है स्टोर देखने को मिल जाएगा नेहरू प्लेस के अंदर, 205 सेकंड फ्लोर राजाउस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है। हमारे ऑफलाइन स्टोर को विजिट करिए, अपने पीसी बिल्ड कराइए। सारी डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलिए इस फटाफट से बात कर लेते सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले गाइस यहां पर हम लोग बात करते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में। इंटेल के लेटेस्ट 14th जनरेशन के ऊपर बेस्ड पीसी बिल्ड है, तो कोर i7 14700KF प्रोसेसर का हम लोगों ने यहां पर यूज करा है, जो कि 20 कोर एंड 28 थ्रेड के साथ में यहां पर आ जाता है। ओवरऑल एक काफी बढ़िया सीपीयू अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड आपको बता देते हैं कि जो ये प्रोसेसर है, मतलब i7 की जो K वाली जो सीरीज है, यही इकलौती ऐसी है जिसमें कि यहां पर इंटेल ने थोड़े से जो है कोर्स को यहाँ पर बढ़ाया है 14 जनरेशन के अंदर। बाकी सबके जो कोर थ्रेड काउंट है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस खाली क्लॉक स्पीड्स को उसके अंदर बढ़ा दिया था। बट इसमें आपको कोर एंड थ्रेड काउंट भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर इसको बना देता है। बाकी इसके अलावा जिसके आपको बताया कि KF सीरीज में आता है, यानी कि ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इसके साथ में जो है यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अच्छा, मदरबोर्ड इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पेयर करा है गीगाबाइट की तरफ से उनका Z790 UD AC मदरबोर्ड, जो कि काफी शानदार मदरबोर्ड है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वैल्यू फॉर मनी यार काफी ज्यादा है, एंड हमारे 14700KF प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेगा। इसके अलावा वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों आपको ऑप्शन इस मदरबोर्ड के साथ में मिल जाते हैं। अच्छा, रैम के बारे में बात करेंगे, तो रैम टोटल हम लोगों ने यहाँ पर जो 32GB का यूज करा है, 16 GB की दो स्टिक्स, जो कि 32GB की किट है, 6000 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, जी स्किल की ट्राइडेंट Z5 RGB, एंड परफेक्ट रहेगी भाई 32GB रैम सभी कामों के हिसाब से। एंड भाई देखने में भी आपको पता ही है कि भाई जी स्किल की रैम है और वो भी ट्राइडेंट सीरीज के अंदर, तो भाई देखने में लुक्स वाइज भी काफी शानदार लगती है। अच्छा गाइस, इसके साथ में अब बात करते हैं लिक्विड कूलर के बारे में। हम लोगों ने जो पेयर करा है हमारे 14700KF प्रोसेसर के साथ में, तो भाई यहां पर हम लोगों ने यूज करा है एंटेक की तरफ से उनका वॉल्टेक्स 360। इसमें 240-360 दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि i7 सीरीज का थ्रो हॉट रनिंग सीपीयू, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर जो 360 का रेडिएटर यूज करा है। एंड देख सकते हो टॉप पर हम लोगों ने जो यहां पर इसको माउंट करा है, लुक्स वाइज भी यार काफी सुंदर लगता है यहां पर देखने में। एंड जो सीपीयू ब्लॉक है उसके अंदर आपको जो है इन्फिनिटी मिरर काइंड ऑफ डिजाइन मिल जाता है, तो लुक्स वाइज भी काफी शानदार लगता है लिक्विड कूलर। ग्राफिक्स कार्ड की तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो यहां पर हम लोगों ने यूज करा है RTX 4070, एंड वो भी ट्रिपल फैन वाला वर्जन, जो कि आ जाता है MSI की तरफ से उनका वेंटस 3X OC वर्जन हम लोगों ने जो यहाँ पर यूज करा है। काफी शानदार ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफी एक स्लीक एंड काफी बढ़िया से डिजाइन के साथ में आता है। MSI की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है एंड वेंटस सीरीज के अंदर आ जाता है। मेरे को पर्सनली यार MSI की जो वेंटस वाली सीरीज है यार, ये मेरे को पर्सनली जो है काफी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आप लोग भी कंसिडर इसको कर सकते हो। और बाकी परफॉर्मेंस के बारे में तो यार आपको पता ही है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 14700KF के साथ में 4070 को पेयर करा है। गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, एडिटिंग हो, कोई भी काम आपके बड़े तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे। 4K पर आपको जो यहाँ पर गेमिंग करनी, तो उसके अंदर भी परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिलेगी। अब स्टोरेज की तरफ बढ़ते गाइस, तो यहां पर हम लोगों ने यूज करी XPG की तरफ से उनकी S70 ब्लेड 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD। इसके अंदर विंडोज डालने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज हमें यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब वैसे तो गाइस 750 वाट भी इनफ रहती, बट हम लोगों ने यहां पर जो 850 वाट का यूज करा थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ करने के लिए सिस्टम को, तो यहां पर हम लोगों ने डीप कूल की तरफ से उनकी PM850D पावर सप्लाई, जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहां पर आ जाती है। इस पावर सप्लाई का हम लोगों ने यहां पर यूज करा। ओवरऑल एक काफी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई है, डीप कूल जैसे एक अच्छे रिलायबल
रिलायबल ब्रांड की तरफ से यहाँ पर आ जाती है। फाइनली बढ़ते गाइस एंड बात करते हैं हमारी कैबिनेट के बारे में। सो कैबिनेट आपको काफी बार दिखाई है एंड काफी लोगों को अब ये जो है कैबिनेट बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, मतलब हमारे पास भी डिमांड अब इसकी काफी ज्यादा बढ़ी है, जो कि लियान ली की लैनकूल 216 कैबिनेट। बहुत ही शानदार कैबिनेट है। इसमें बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े भाई 200 mm के फैंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी शानदार लगते हैं यहाँ पर देखने में। RGB भी जो है आपको मतलब प्रॉपर इस कैबिनेट के अंदर मिल जाती है। बाकी इसके अलावा गाइस इसमें ना आपको प्री इंस्टॉल्ड, तो देखो सामने की तरफ आपको दो फैंस मिल जाते हैं। बाकी रियर में हम लोगों ने आई गेस इसमें शायद एक नॉन RGB फैन आता है, तो उसको हटा करके यहाँ पर जो एक RGB फैन यहाँ पर लगाया है, मेरे हिसाब से शायद आता ही नहीं है, तो फैन अलग से लगाना पड़ता है। बट उससे यह है कि फिर आपका जो लुक है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाता है आपके बिल्ड का, एंड देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है कैबिनेट, और काफ़ी स्पेशियस भी है। जैसे हम इसके अंदर बिल्ड भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इजीनेस हमें यहाँ पर फील होती है। इसके अलावा टॉप पर आप 360 mm के रेडिएटर को भी माउंट कर सकते हो, रबर ग्रॉमेट्स आपको मिल जाते हैं, फ्रंट में मेश मिल जाती है ताकि एयर फ्लो अच्छा बने। सो ओवरऑल एक अच्छी कैबिनेट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी जो रियर में एग्जॉस्ट के लिए फैन हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा था वो आ जाता है सिल्वर स्टोन की तरफ से, उनका एयर ब्लेजर 120R। बस तो गाइस यही था हमारा 160,000 रुपए का पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड बाकी जैसे कि ये दिवाली सेल के अंदर जो है भाई ने यहाँ पर ये पीसी बुक करा था, तो इसलिए फ्री गिफ्ट्स तो मिल रहे थे, तो उसी में से जो है एक फ्री गिफ्ट इनको यहाँ पर मिला है, जो कि एक हेडसेट जो कि आ जाता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से, उनका प्रोटियस गेमिंग हेडसेट। बहुत ज़्यादा अच्छा गेमिंग हेडसेट है, जो कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट यहाँ पर दिवाली सेल के अंदर यहाँ पर मिला है। बस तो गाइस आपको ये पीसी बिल्ड कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको भी पता ही है कि यार आपको अगर पीसी बाय करना हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको फिर से बताता हूँ, नंबर्स देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403890290। कांटेक्ट आप लोग डेफिनेटली हमको कर सकते हो, हमारी सेल्स टीम आपको बड़े तरीके से यहाँ पर गाइड कर देगी। बाकी वेबसाइट का लिंक एंड ऑफलाइन स्टोर का गूगल लोकेशन लिंक सब कुछ आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.